जो आप गोल सेट करोगे तो सबसे पहले कौन सी चीज करना चाहिए, मतलब काम करना है, करना है एक्शन टाइम, गेट सेट गो, लेकिन कौन सी चीज पहले गो करेंगे। तो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि पहले इजी चीजें करेंगे कि पहले डिफिकल्ट चीजें करेंगे। ओके, पहले इंपॉर्टेंट चीजें करेंगे कि अनइंपॉर्टेंट चीजें करेंगे? इंपॉर्टेंट करेंगे। हाँ अच्छा, अगर दो चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है, एक टफ है और एक इजी है, हाँ, तो मैं आपके सामने बात क्या रख रहा हूं कि हमारा ये फर्स्ट का डिसीजन होना चाहिए इंपॉर्टेंस को देखकर। इंपॉर्टेंस को देखकर कौन सी चीज आपके लिए सबसे ज्यादा अहम है, उस पर सबसे पहले फोकस करो, भले ही टफ हो, भले ही टफ हो, छोटा सा स्टेप लेंगे उसके अंदर, लेकिन वो जो काम होगा वो बड़ा काम होगा, सबसे इंपॉर्टेंट काम होगा। क्योंकि हम क्या देखते हैं कि जो अचीवर्स की जिंदगी में जो लोग अचीव करते हैं, कुछ हासिल करते हैं, वो लोगों की एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है, और वो क्वालिटी ये है कि वो सबसे अहम चीज पे सबसे पहले फोकस करते हैं। अगर आपको ये कायदा समझ में आ गया तो आपके हाथ में एक ऐसी गोल्डन चाबी है जिसकी वजह से आप बहुत कुछ जिंदगी में हासिल कर सकते हैं। ये कायदा क्या है कि कौन सी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, वो चीज सबसे पहला गोल है। कई बार क्या होता है ना, अनइंपॉर्टेंट चीजों पे टाइम डालते हैं लोग, फीलिंग आ रही है हाँ मैं कुछ तो कर रहा हूं, वही तो बात है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले। और जैसे मैंने आपको कायदा बता चुका हूं पहले, वो ये है कि कौन सा कायदा, 80-20। वेरी राइट, 80-20 प्रिंसिपल, कि ऐसी 20% चीजें होती है, 20% चीजें होती है जिसकी वजह से 80% रिजल्ट्स आते हैं, माइनॉरिटी ऐसी चीजें होती है जिसकी वजह से मेजॉरिटी रिजल्ट्स आते हैं, माइनॉरिटी ऐसे एक्शंस होते हैं जिसकी वजह से मेजॉरिटी इंप्लीकेशंस होते हैं। वो माइनॉरिटी क्या है आपको आइडेंटिफाई करना है। तो बहुत कामली, बल्कि प्लानिंग के स्टेज पर जब आप प्लानिंग कर रहे थे तो ये भी प्लानिंग कर लो कि कौन सी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरा सबसे पहला गोल क्या होगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रूशियल, सबसे क्रिटिकल, सबसे ज्यादा इफेक्ट पैदा करने वाली कौन सी चीज है, जो करूंगा तो सबसे बड़े रिजल्ट्स पैदा होंगे। ऑब्वियस बात है कि अगर दो काम करके एक काम से इतना रिजल्ट, एक काम से इतना रिजल्ट है, तो हमें ताकत तो वही चीज पे लगाना चाहिए जो बड़े रिजल्ट वाली है। लेकिन अक्सर लोग क्या करेंगे मालूम है, इजी देख के जाएंगे, इजी 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 काम करेंगे जो छोटे 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 रिजल्ट वाले, और ये काम जिससे इतना बड़ा रिजल्ट आ जाता है वो उस पर फोकस नहीं करेंगे। उनका डिसीजन मेकिंग होती है इजी देखकर, इजी और टफ देखकर। भले ही हम भला फर्स्ट स्टेप स्मॉल ले रहे हैं, लेकिन जो चीज के लिए फर्स्ट स्टेप लेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देख के लेंगे। अच्छा ये बताओ, आप सबके लिए बहुत क्रिटिकल सवाल है, देखने तो कौन सही जवाब देता है। आपके लिए जो सबसे अहम चीज है अगर वो इजी हो और जो चीज अहम नहीं है वो टफ है, तो आप कौन सी चीज करेंगे, टफ करेंगे कि इजी करेंगे? टफ करेंगे, इजी करेंगे, इजी करेंगे, ये सीख के जा रहे हो, इजी के पीछे जाओगे। तो पॉइंट याद रखना है कि हम इजी और टफ नहीं देख रहे हैं, हम इंपॉर्टेंस देख रहे हैं। इजी है तो भी इंपॉर्टेंट है, टफ है तो भी करेंगे, टफ होने दो, टफ होने दो, छोटा सा गोल उसका रखेंगे, फर्स्ट स्टेप लेंगे, लेकिन करेंगे वो ये अहम काम जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है सबसे पहले करेंगे। और कई बार ये काम थोड़े टफ होते हैं, होने दो, स्टार्ट योर डे, स्टार्ट योर लाइफ विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। बल्कि क्या होना चाहिए, डे का जो फर्स्ट हिस्सा है ना, बहुत ही ब्लेस्ड टाइम होता है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास दुआ की, अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फी बुकूरिहा, अल्लाह मेरी उम्मत की सुबह में बरकत रख। और एक और हदीस में आता है, बूरिक अली उम्मती फी बुकूरिहा, मेरी उम्मत की सुबह में बरकत रखी गई है। बरकत यानी कम एफर्ट में ज्यादा रिजल्ट्स। तो ये क्या है, ये जो बेस्ट टाइम ऑफ द डे होता है, ये हदीस, दोनों हदीसें सही है, दूसरी हदीस सही अलजामे में है, पहली हदीस इब्न माजा में है। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो पहला पार्ट ऑफ द डे है सबसे अहम, भले ही टफ हो, वो काम को सॉलो करने में जाएगा, उसको जाके सॉलो करना है, उसको डाइजेस्ट करना है, पहला काम सबसे पहले। तो हमने अभी दो फॉर्मूलाज देखे, फर्स्ट फॉर्मूला क्या था एक्शन के, फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, स्टार्ट विद अ स्मॉल गोल, स्टार्ट विद अ स्मॉल गोल, लेकिन स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब मिसाल के तौर पर कोई सिस्टर है जो घर के काम में, ओ इतना सारा काम पेंडिंग पड़ा है, लेकिन आप वो कामों की तरफ देखो, उसमें कुछ 20% ऐसे काम होंगे जिसकी वजह से 80% ऑफ द रिजल्ट आएगा,
मतलब कुछ ऐसे क्रिटिकल वर्क्स दिखेंगे, आप आइडेंटिफाई करो, जिसकी वजह से पूरा हुलिया ज्यादा बदल जाएगा। वो कौन से काम है जो सबसे अहम है, सबसे क्रिटिकल है? कॉस्मेटिक होना जरूरी नहीं है, लेकिन अहम सबसे ज्यादा वो है जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है अगर ना करें तो। उसी तरह आप बिजनेस में हो, आप बिजनेस में, आपके बिजनेस में आपको 50 चीजें करनी है, लेकिन 50 में कौन सा वो सबसे क्रिटिकल काम है जो आपके लिए इस वक्त पर सबसे ज्यादा मीनिंग रखता है, जो आपके काम में टर्न अराउंड पैदा करने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, वो कौन सा काम है? देखिए, ये विजडम है। विजडम वो मैं यूं तल हिकमत फकत ऊतिया खैरन कसीरा, जिसे हिकमत दी जाती है उसे बहुत बड़ा खैर मिला। सूरह बकरा की आयत नंबर 269, सूरह 2। तो हम क्या देखते हैं, विजडम है, और वो विजडम कल्टिवेट करना होता है, वो विजडम अल्लाह से मांगना होता है, वो विजडम जिस इंसान में आ गया, ही इज एबल टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एट व्हाट टाइम। वो अपनी एनर्जी को सबसे प्रोडक्टिव तरीके से डाल देगा, वो अपनी जिंदगी में वैसी चीज अचीव करके जाएगा। आपके पीपल विल से यार इसने किया कैसे अपनी जिंदगी में इतना कुछ, एज हम लोग यहां बैठकर आज सोचते हैं कि हाउ डिड दीस दोस पीपल डू इट, बट दे हैड द विजडम टू आइडेंटिफाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फर्स्ट, और उसके ऊपर अपनी पूरी एनर्जी फोकस करना। तो ये हो गए हमारे दो पॉइंट्स। थर्ड पॉइंट, अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। आई प्लस टीवी, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से आई प्लस टीवी आज ही डिमांड करें। आई प्लस टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।